हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आपके लिए एक सरप्राइज़ लेके आया हूँ। जो लोग इस चीज़ को नहीं मानते कि ये चीज़ें नहीं होती, तो उनों के लिए एक सरप्राइज़ है, बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। और जो ये बोलते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, रियली आपको बहुत जल्दी लाइव तो नहीं बोल सकते, पर आपको ज़रूर दिखाएंगे कि ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि अभी हमारे भाई ने एक ने लोकेशन बताई है, तो उसके ऊपर जाके हम विजिट करेंगे, व्लॉग बनाएंगे डे का, नाइट का, उसके बाद आपको दिखाएंगे। उसके बाद आप बताना कि वो जगह हॉन्टेड है या नहीं है। और दोस्तों, उस जगह के बारे में इतना कुछ बताया है, हमारे सुन के भी लोगों के सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वहाँ पर दिन में भी ऐसे हरकतें होती हैं, एक्टिविटी होती हैं, जिनको देखकर या महसूस किया जा सकता है। तो वहाँ की अभी बात चल रही है, जैसे हमें परमिशन मिलेगी हम आपको वहाँ की वीडियो शूट करके दिखाएंगे, और देख के आप बताना कि वो जगह हॉन्टेड है या नहीं है। फिलहाल तो जितना हमें बताया गया उस जगह के बारे में, इतनी ख़तरनाक लोकेशन बताई है कि हम सोच के ही इतने एक्साइटेड हैं कि वहाँ का मौका हमें कब मिलेगा वीडियो बनाने का। तो दोस्तों, कसम से बता रहा हूँ कि जिस तरह से उसे बताया ना, हम इतने एक्साइटेड हुए पड़े हैं उस वीडियो की। और बहुत जल्दी मैं वहाँ पर जाके अब विजिट करने की सोचा है मैंने, कि जस्सी भाई से बात हुई थी, पारस से भी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला भाई आप जाके देखाओ, अगर उन गांव वालों से, पूरा गांव वाला मतलब पूरे गांव में ये बात हो रही है कि हाँ भी। मैंने वो जिस भाई से बात हुई वो कहता पूरे गांव में कि बोलते हैं, दिन में भी नहीं जाता वहाँ पे, गांव के बीचों बीच है वो घर। तो देखते हैं वहाँ पर जाकर हमें क्या मिलेगा क्या नहीं। तो उसके बाद आपको हम उस वीडियो की दिखाएंगे। और मैं एक छोटा सा व्लॉग बना के आया था, किसी भाई ने मुझे बोला था, तो वहाँ पे मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं, फिर भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो देख कर बता देना। पहली बात सभी को ये लगेगा कि अच्छी नहीं बनी, तो उसके लिए सॉरी। और सभी को मेरी तरफ से, जस्सी भाई की, पारस भाई की, और ये क्या था, फैमिली वालों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और सभी का दिन मंगल में हो, अच्छा रहे, और अपनी लाइफ में जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे हों। तो लव यू ऑल। हेलो दोस्तों, कैसे हो। आ गया कबीर आपके लिए एक हॉन्टेड लोकेशन लेकर। विजिट करने आया हूँ रात की, तो आप देखकर बताना कि यहाँ पे हमें वीडियो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस लोकेशन के बारे में आपको मैं बताता हूँ, साथ में लोकेशन का व्यू दिखाता हूँ, तो देखकर आप मुझे बताना कि दोबारा यहाँ पे हमें वीडियो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और इसकी जो स्टोरी है वो मैं आपको अभी सामने फ्रंट का कैमरा करके दिखाता हूँ, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो लस्सी, तो दोस्तों ये लोकेशन है, और ये एक पारिवारिक फैमिली जो है उनके घर की ये प्रॉब्लम थी। ये जो ये रास्ता है, यहाँ पर इनों के जैसे इस रास्ते पर ना, ये मतलब दोनों भाइयों की साथ साथ की ज़मीन जिसे बोलते हैं वो है। तो इनों के जो ये बताते हैं कि रास्ते में ना इनों को कई बार रात को आए, इनों को खून के छींटे वगैरह ऐसा कुछ नजर आता है। अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। और
ये जो नाश्ता है इसके बारे में बताया कि इन्हों को कुछ दिखाई भी देता है यहाँ पर। तो मेरे भाई ने मुझे बुलाया, कहता भाई यार एक बार आप यहाँ पर आके विजिट करके जाओ, अगर आपको लगता है यहाँ पर कुछ है ऐसा तो। आप यहाँ पे वीडियो करो और हमें बताओ, तो चलो देखते हैं यहाँ पे हमें कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। दोस्तों लाइट लानी भूल गया, तो इन्हों की बैटरी से मैं जितना हो सके उतना दिखा रहा हूँ। एक तो रास्ता ही बड़ा ये कुत्तों की आवाज तो आती रहती है, इस रास्ते पे जो बताया है बाकी, क्योंकि अब फसल का टाइम हो गया है तो रात को वैसे तो देखभाली के लिए कोई ना कोई रहता है, पर यहाँ पे कोई है नहीं। और तेज हो गई आवाज, दोस्तों ये लोकेशन पर आ तो गया मैं, मुझे कुछ ऐसा लगा तो नहीं अभी तक कि क्या चीज की बात है। मैंने तो भाई को बोला था साथ चलो, मैं हूं साथ में, वो कहता भैया मैं नहीं चलता, आप देखो आपको लगता है या ऐसी चीज कोई नजर आती है तो आप वीडियो करना चाहो तो आप दोबारा कर सकते हो। रोने की आवाज आई है, ये पता नहीं कहाँ से आई है, पता नहीं सुनाई। और ये क्या है, एक तो यहाँ पे मकड़ियों के जाले भी इतने हैं। उस तो ऐसा लगा यहाँ से कोई अभी गुजरा है, इस जगह से ना ऐसे लगता है यहाँ पे कोई गुजरा है। देखते हैं थोड़ा सा,